छोटी बलिया चौकी में नहीं दिए जमानत के पैसे तो लगवाई उठक बैठक। युवकों ने विधायक व एसडीओपीसी की शिकायत। उठक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चौकी प्रभारी ने कहा सभी आरोप निराधार। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में जो युवक उठक बैठक लगा रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि छोटी बलिया चौकी प्रभारी के द्वारा जमानत के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी और नहीं देने पर 500 उठक बैठक लगाने को कहा गया, जिसको लेकर युवकों ने बिना विधायक महेश राय व एसडीओपी प्रशांत सुमन से शिकायत की है। शिकायतकर्ता के अनुसार नगर सैनिक की झूठी शिकायत पर छोटी बलिया पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर छोटी बलिया पुलिस ने संतोष सेन, पवन पटेल एवं विकास यादव पर मामला दर्ज किया था। युवकों ने आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी संतराम राठौर के द्वारा जमानत के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की थी और नहीं देने पर छोटी बलिया पुलिस चौकी में उठक बैठक लगवाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसके बाद युवकों ने भाजपा कार्यालय में विधायक महेश एवं एसडीओपी कार्यालय में एसडीओपी प्रशांत सुमन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसडीओपी प्रशांत सुमन ने जांच की बात कही है। वहीं छोटी बलिया चौकी प्रभारी संतराम राठौर ने सभी आरोपों को निराधार बताया। गणेशवाद में रहते हैं वो सत्यम नगर सेना में है, उसने हमें बिना फालतू में आते साथ चांटा पीटी मारा पीटी की, उसके बाद चौकी में रिपोर्ट कर दी तो साहब लोग मांगने लगे 10,000 रुपये और उसके बाद 500 उठक बैठक लगवाने की बोली के 500 उठक बैठक लगाओ तो फिर लगाई नहीं, फिर लगाने की बोल रहे थे। कौन ने मांगे थे पैसे? राठौर साहब ने। क्या कहा था हमने? हमने 10,000 रुपये दो चौकी से छोड़ देंगे। हाँ नहीं दिए। क्या किया उन्होंने? फिर बोली 500 उठक बैठक लगाओ। वो तीन आरोपियों पर मारपीट का मामला पंजीबद्ध है तो कार्रवाई के लिए स्टाफ द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद आरोपी आ गए थे, उस टाइम पर हम थाने में थे, फिर थाने से चौकी पे आए तो स्टाफ से पूछा मतलब ये क्यों बैठे हुए हैं, तो बताया थे आरोपी आए हुए हैं। तो हमने आरोपियों से बोला मनमानी कार्रवाई करते हैं, साथ में ही एक राजा बाबू यादव आए थे तो वो बोले क्यों बुलाया हुआ है, तो कार्रवाई के लिए बोला था, उन्होंने कार्रवाई करके उनको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद राजा बाबू कहने पर ही क्या नाम है इनके द्वारा वीडियो और उठक बैठक रिपोर्ट किया गया था और जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, वो झूठे हैं।